हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द क्लास। तो गाइस, दिस इज किरण गौतम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से लाइव आइए सभी बच्चे। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए वीडियो को। गुड इवनिंग सभी को, राम राम। जल्दी से लाइव आ जाइए। आज की जो हमारी सीरीज रहने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 7। जो सीरीज हमने कंटिन्यू स्टार्ट कर रखी है 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की, तो उसका पार्ट नंबर 7 बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है गाइस, बताइए फटाफट से इसका आंसर कीजिए कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ एमजी पर डीएल, यानी कि आप बता सकते हो कि ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। आपको बताना है कि जो ब्लड शुगर का लेवल होता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एट द टाइम ऑफ फास्ट, कि जब उनका फास्ट का टाइम होता है उस टाइम जो वो लेवल है वो क्या रहता है, 40 to 60, 120 to 150, 70 to 100 या फिर 160 to 200। फटाफट से आंसर कीजिए, बताइए शाबाश। देखते हैं कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है। तो आज के सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो फटाफट से आंसर कीजिए बच्चों। आपको एक नॉर्मल पर्सन का एट द टाइम ऑफ फास्ट, जब वो फास्ट रखते हैं तो उस टाइम आपको उनके ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो बताना है, 40 to 60, 120 to 50, 70 to 100 या फिर 160 to 200। फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने आंसर किया था सी, वो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द टाइम या फिर आप कह सकते हो कि टाइम ऑफ द फास्ट, तो उस टाइम जो लेवल रहता है शुगर का वो कितना होता है बच्चों, 70 to 100 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आंसर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए और जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। आपको बताना है कि अगर हम किसी प्लांट, जब भी जो भी कोई प्लांट सॉरी कोई प्लांट की अगर हमारे पास स्टेम है, तो उस स्टेम का आपने क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया है, कट किया है एक सेक्शन को, उस सेक्शन में आपको 50 रिंग्स नजर आ रही हैं। ठीक है, 50 रिंग्स, तो आपको उन रिंग्स को देखिए उसकी एज बतानी है। तो 50 मंथ्स होगी, 5 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स। तो फटाफट से आंसर कीजिए, प्राइश अबाश जल्दी से आंसर कीजिए। अगर क्रॉस सेक्शन में 50 रिंग्स नजर आती हैं तो प्लांट्स का जो ईयर है, कितने ईयर्स का प्लांट है वो आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों ने आंसर किया था डी, वो बिल्कुल सही है, 50 ईयर्स। जिन बच्चों ने आंसर किया था डी, उनका बिल्कुल सही है, 50 ईयर्स। तो बच्चों देख लेते हैं एक बार हम ये आंसर कैसे आया। तो ये जो रिंग होती है किसी भी ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर जब ये रिंग बनती है, तो इस रिंग को हम एनुअल रिंग भी कहते हैं, एनुअल रिंग भी कहा जाता है। और ये जो एनुअल रिंग होती है बच्चों, ये एनुअल मतलब कि साल में एक बार बनेगी। ठीक है, एनुअल रिंग या फिर ग्रोथ रिंग आप इसको कह सकते हो, तो साल में एक बार बनती है। तो जब जैसे ही प्लांट का 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ये रिंग बन जाती है, 2 ईयर कंप्लीट तो रिंग। तो जितनी रिंग्स होती हैं उतने ही ईयर्स किसके होते हैं, प्लांट के, यानी उतनी ही एज हम क्या करते हैं उसकी डिटरमाइन करते हैं। तो ये रिंग क्या करती हैं, एज बताती हैं। तो जितनी रिंग्स उतने आपके प्लांट की एज। तो इसका आंसर रहेगा डी, 50 ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, आपको बताना है कि जो ऑनियन यानी कि देसी भाषा में हम क्या कहते हैं इसको, तो आपको बताना है कि ऑनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ऑनियन की मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है, लीफ, स्टेम, रूट या फिर नन ऑफ दिस। बताइए शाबाश जल्दी से आंसर कीजिए, ऑनियन की मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है, लीफ, स्टेम, रूट या फिर नन ऑफ दीज। कहाँ से मॉडिफाइड करता है ऑनियन, लीफ से करता है, स्टेम से करता है या फिर रूट से करता है। फटाफट से आंसर कीजिए बच्चों, देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे सही आंसर करता है, बताइए शाबाश जल्दी से।
तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन्होंने आंसर किया था बी, वो बिल्कुल सही है, स्टेम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो होगा बी। तो जिन बच्चों ने आंसर बी किया था उनका बिल्कुल सही आंसर है बी। तो ओनियन जो होता है वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म होता है? तो ओनियन आप बता सकते हो स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, ये रूट की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। लेकिन आप ओनियन के साथ अगर और एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पटेटो, पटेटो जो पटेटो होता है, या फिर जिंगर, अदरक होती है, वो सब किसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है? स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाय, कि जो मेज यानी कि मक्का होता है उसमें जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है, पोलिनेशन बाय एयर, या फिर पोलिनेशन बाय रेन्स। फटाफट से आंसर कीजिए कि जो मेज प्लांट है उसमें पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, बताइए। शाबाश बच्चों, हमें पता है कि एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि जो मेज में पोलिनेशन होता है वो कौन सा होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, पोलिनेशन बाय एयर, पोलिनेशन बाय रेन। तो जिन बच्चों ने किया था आंसर सी, उनका बिल्कुल सही है। मेज के अंदर जो पोलिनेशन होता है बच्चों, पोलिनेशन बाय एयर होता है। ठीक है, पोलिनेशन बाय एयर होता है। तो एयर के थ्रू क्या होते हैं, उनके जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाते हैं। तो ये था आपका पोलिनेशन बाय एयर, जो कि मेज यानी कि मक्के के प्लांट में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। व्हाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन्स? क्या रीजन है कि जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ नहीं ले सकते? किसका? आपके इंटेस्टाइन का। बताइए क्यों। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कि इंटेस्टाइन्स आर अफेक्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, या फिर एक्सरे कैन नॉट क्रॉस इंटेस्टाइन, या फिर एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि इवन शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ एक्सरे कोज कैंसर इन इंटेस्टाइन। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे आप? फटाफट से आंसर कीजिए कि व्हाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ इंटेस्टाइन, क्यों नहीं ले सकते? तो जिन बच्चों ने किया था आंसर नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर। ठीक है, इंटेस्टाइन्स की क्लियर पिक्चर नहीं ले सकती कौन? एक्सरे जो होता है वो। ठीक है, क्यों नहीं ले सकता उसको समझ लेते हैं एक बार। तो बच्चों जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी आंत होती है, तो आप बता सकते हो कि जो इंटेस्टाइन है वो काफी सॉफ्ट टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू है? एक सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं। और ये जो टिश्यू होता है बच्चों, इसमें क्या रहता है कि ये सॉफ्ट होने के बाद इसके ऊपर बेरियम की एक लेयर बन जाती है। ये सॉफ्ट है इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक लेयर बनी होती है। तो वो लेयर क्या नहीं करती, क्लियर पिक्चर नहीं आने देती, या फिर आप कह सकते हो कि उस लेयर की वजह से क्या नहीं होता, एक्सरे जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं ले पाता किसके, आपकी इंटेस्टाइन्स की। तो ये था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो एक्सपेंड नहीं करेगा, नहीं करता, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, बताइए। शाबाश, वाटर, कैस्टिरोन, एल्यूमिनियम, या फिर टाइप मेटल। फटाफट से आंसर कीजिए कि कौन सा इसका राइट आंसर है। आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो एक्सपेंड नहीं करता लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, बताइए। शाबाश, ऑप्शन ए बी सी एंड डी आपके सामने है, तो कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे आप? फटाफट से आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों ने आंसर किया था बच्चों डी, वो बिल्कुल सही है। टाइप मेटल, जो टाइप मतलब मेटल्स होते हैं, यानी कि जो मेटल की फॉर्म है, वो क्या नहीं करती, वो लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट नहीं जाते। बाकी टाइप मेटल होता क्या है, तो टाइप मेटल एक एलो होता है। एलोज जैसे हम कहते हैं कि हम एलो मतलब मेटल्स को आपस में मिलाकर क्या करते हैं, एलोय बनाते हैं। ठीक है, वो एलो से फिर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि जब एलोय बनाते हैं हम, इसमें एलोय मेटल के अंदर लेड, आप बता सकते हो टिन, ठीक है,
या फिर टंगस्टन, इनको मिला के क्या बनाया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है, उससे फिर डेकोरेटिव चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वो जो टाइप मेटल्स होते हैं वो क्या नहीं करते, एक्सपेंड नहीं करते लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि हार्ट पेस मेकर इज, कि हार्ट का जो पेस मेकर है उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेडियम। बताइए शाबाश इसका राइट आंसर, कि हार्ट जो पेस मेकर है वो क्या है, यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम या फिर रेडियम। फटाफट से आंसर कीजिए। देखते हैं कि कौन आज की क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स यानी कि आउट ऑफ 15 15 मार्क्स लेकर जाता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, और जितने भी नए बच्चे हैं न्यू स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं क्लास को वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आगे और भी अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया था वो बिल्कुल सही है, यूरेनियम जो पेस मेकर है वो, इसमें किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम का। वैसे कई बार ऑप्शन में आपको प्लूटोनियम भी दिखेगा, लेकिन प्लूटोनियम जो है वो हम यूरेनियम से ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्लूटोनियम, अगर ऑप्शन में आपके पास यूरेनियम नहीं है तो आप प्लूटोनियम पर जाओगे, यूरेनियम नहीं होगा तो आप कहाँ जाओगे, प्लूटोनियम पर जाओगे। बट अगर प्लूटोनियम यूरेनियम दोनों है तो आप यूरेनियम को टिक करोगे। क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम जो है उसको कहाँ से फॉर्म किया जाता है, एक न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू आप बता सकते हो यूरेनियम से ही फॉर्म किया जाता है। उसीलिए हमारा जो हार्ट का पेसमेकर है उसमें प्लूटोनियम, वैसे यूज करने के लिए आप जहाँ भी देखोगे तो आपको प्लूटोनियम वर्ड दिखेगा, प्लूटोनियम 238, लेकिन ये फॉर्म कहाँ से होता है, यूरेनियम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ड्रग विच हेल्प इन कंट्रोलिंग फीवर, कौन सी ड्रग है जो आप बता सकते हो फीवर यानी कि बुखार जो होता है उसको कंट्रोल करने में काम करती है। पेंसिलिन, पैरासिटामोल, कोर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एल्बुमिन। बताइए शाबाश। सॉरी। जल्दी से आंसर कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। क्वेश्चन है आपके सामने कि ड्रग विच हेल्प इन कंट्रोलिंग फीवर, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है और सारे बच्चे बता सकते हैं कि बुखार को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग्स का यूज किया जाता है, पेंसिलिन, पैरासिटामोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर आपका एल्बुमिन। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने आंसर किया था बी वो बिल्कुल सही है, पैरासिटामोल। फीवर को कंट्रोल करने के लिए किसका काम किया जाता है बच्चों, किसका यूज किया जाता है, कौन सी ड्रग का, तो कौन सी ड्रग काम करती है आप बताओगे, पैरासिटामोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, टेबल सोल्ट गेट मोस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज, कि जो टेबल सोल्ट होता है जो हम यूज करते हैं घरों में, तो वो रेनी सीजन में कैसा हो जाता है, मोस्ट हो जाता है, नमी आ जाती है उसके अंदर। रीजन क्या है उसके पीछे, कि सोडियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक, या फिर सोडियम क्लोराइड इज डेलिक्यूशेंट, या फिर आप बताओगे सोडियम क्लोराइड कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड, या फिर सोडियम क्लोराइड कंटेन हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर कीजिए। टेबल सोल्ट जो है वो रेनी सीजन में मॉइस्ट क्यों हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो ऑप्शन 4 है आपके पास, ए बी सी एंड डी, तो देखते हैं आप कौन से आंसर ऑप्शन के साथ जाओगे, फटाफट से आंसर कीजिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया था वो बिल्कुल सही है। तो जो टेबल सोल्ट होता है उसका नेचर कैसा होता है बच्चों, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अब देख लेते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक क्या है। हाइग्रोस्कोपिक होता है कि जो अपने चारों ओर यानी कि एयर से जो मॉइस्ट को अब्जॉर्ब करता है, जो वाटर होता है हमारे चारों ओर सराउंडिंग में एयर में, उसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको क्या, उनका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो एयर से मोस्ट को अब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे ही आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, या फिर आपका होता है आप बताओगे कैल्शियम क्लोराइड यानी कि कैल्शियम Cl2, तो सेम ऐसे ही सोडियम क्लोराइड जो आपका टेबल सोल्ट है, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड या और कैल्शियम क्लोराइड, ये तीनों ही क्या होते हैं, इनमें एक इम्प्योरिटीज लाइक यानी कि आप कह सकते हो इन तीनों का ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, जो कि कैसे होते हैं ड्यूरिंग यानी कि रेनिंग सीजन ये मॉइस्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स, मशीन्स के अंदर एज ए लुब्रिकेंट हम किसका यूज करते हैं, बताइए शाबाश। बॉक्साइट,
सल्फर, फोस्फोरस या फिर ग्रेफाइट, किसका यूज एज ए लुब्रिकेंट किया जाता है मशीन में, एज ए लुब्रिकेंट हम किसका यूज करते हैं ताकि वो और ज्यादा अच्छे से मशीन क्या करे, काम करे, ठीक है? तो एज ए लुब्रिकेंट किसका यूज किया जाता है, चार ऑप्शन आपके पास, फटाफट से आंसर कीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, बताइए, शाबाश, जल्दी से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, तो जिन बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट क्या होती है, एक आप बता सकते हो नॉन मेटल, क्या होती है, नॉन मेटल, और एज ए लुब्रिकेंट क्या करते हैं हम इसको मशीन्स में यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, हमारी बॉडी में कितनी ग्लैंड होती है, 9 ग्लैंड्स होती हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, एडरेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर कार्पस लूटम, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, फटाफट से आंसर कीजिए, कौन सी ग्लैंड है जो काम करती है आपके ब्लड प्रेशर पे, उसको कंट्रोल करती है, बताइए, शाबाश। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, एडरेनल ग्लैंड, जो एडरेनल ग्लैंड होती है वो ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा, एडरेनल ग्लैंड, ठीक है? तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है बच्चों, एडरेनल जो ग्लैंड, जो ग्रंथि होती है हमारी जो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में, तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए और फटाफट से कमेंट कीजिए। रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, अगर हम रेन ड्रॉप को ग्रेन हाउस से फॉल कर रही है तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो सही होगी, कि दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, या फिर दे फॉल विद सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, या फिर देयर वेलोसिटी इंक्रीज एंड दे फॉल विद डिफरेंट वेलोसिटी ऑन अर्थ, की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, वो फॉल करती है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से अर्थ के ऊपर, या फिर देयर वेलोसिटी इंक्रीज एंड दे फॉल विद सेम वेलोसिटी ऑन अर्थ, बताइए, शाबाश, इसका राइट आंसर, फटाफट से आंसर कीजिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, जिन्होंने आंसर किया था ए उनका बिल्कुल सही है, कि ये जो ड्रोपलेट्स है वो फॉल तो करती है विद अल्टीमेट वेलोसिटी के साथ, बट विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रोपलेट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रोपलेट्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहेगी, और अल्टीमेट उनकी वेलोसिटी होती कैसी है, तो वो एक अल्टीमेट वेलोसिटी से फॉल करेंगे और डिफरेंट ड्रॉपलेट की डिफरेंट रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए, आपको बताना है कि ऑन विच ऑफ द फ्लोविंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन वर्क, फोटोस्टेट मशीन जो है वो किस टेक्निक पे काम करती है, आपके पास ऑप्शन ए है मैग्नेटिक इमेजर मेकिंग, ऑप्शन नंबर बी थर्मल इमेज मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग, बताइए, शाबाश। आपको बताना है कि जो फोटोस्टेट मशीन है वो कौन सी टेक्निक्स पे काम करती है, बताइए, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, कैसी इमेज बनाती है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाती है, जो आपकी फोटोस्टेट मशीन्स होती है जिस पे हम काम करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज उसको यूज करके क्या करती है, सेम ऐसी ही कॉपी बनाती है, और बहुत कम टाइप में, और ये सस्ता भी रहता है जो कॉपी हम बनवाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि 1 kWh इज इक्वल टू, 1 kWh वो किसके इक्वल होता है, 6 MJ, 8 MJ, 2 MJ या फिर 0 MJ, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, 1 kWh इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, जो हमारा 1 वोट होता है वो इक्वल होता है, आप बताओगे 1 जूल के, 1 जो किलो वोट होता है वो 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है, तो यहाँ आपको 1 kWh बताना है, बताइए, शाबाश, ठीक है? तो अगर हम किलो वाट में करेंगे तो किलो में कितने हो जाएंगे, आप बताओगे 1000 वोट, और हमें किसमें बताना है, इसको जूल पर सेकंड बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 MJ,
तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, 6 मेगा जूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू द लॉन्च इनटू स्पेस। आपको बताना है कि सबसे मिनिमम यानी कि वेलोसिटी बतानी है रॉकेट की जब उसको लॉन्च किया जाता है स्पेस के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 6 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन सी आपके पास है 11 किलोमीटर सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर सेकेंड। तो बताइए सब जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी 11, यानी कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड होती है किसकी वेलोसिटी एक रॉकेट की जब उसको लॉन्च किया जाता है कहाँ स्पेस के अंदर। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आप फटाफट से आंसर कीजिए कि आज के जो 15 क्वेश्चन में किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। जितने भी नए बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, और कमेंट करके बताइए किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम इसी टाइम 8:30। तो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।